हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक आईफोन के एक न्यू फीचर्स जो कि बहुत ही अच्छा है, ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल रहता है, जो हमें पता नहीं रहता, जबकि बहुत ही ज़रूरी है आपको ये जानना कि फीचर्स इसमें अवेलेबल है और इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आईफोन में अब एक फीचर्स आता है इमरजेंसी सॉस। इससे क्या होता है कि इन केस कोई भी आपके साथ मिस हैपनिंग होती है, आप कोई भी मतलब जिस कंडीशन में आप फ़ोन इमरजेंसी कॉल आपको मिलाना है और आप उसके लिए तैयार नहीं है, इट मीन्स कि आप उसको नंबर डायल नहीं कर सकते, या किसी की कोई है आपके सामने जिनके साथ कोई एक्सीडेंट या कुछ कोई भी केसेस हुए हों जिनका मोबाइल लॉक हो और वो आप पूछ नहीं सकते कि क्या नंबर है, तो आप उनके इमरजेंसी कॉन्टेक्ट को कैसे आप यूज कर सकते हो। ओके, तो ये यूनिक फीचर्स आपको आईफोन में दिया जाता है और ये हम सबको ये ज़रूरी है कि इसमें एक इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर और अपने इमरजेंसी डिटेल्स हमेशा सेव करके रखें। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल्स पर नए हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आगे की वीडियो भी शेयर करूँ तो आपको पता चले। तो चलिए दोस्तों, मैं अब स्टार्ट करता हूँ कि क्या है और कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये आईफोन के सेटिंग है जो आपके सामने दिख रहा है। आप सेटिंग में जाएंगे, सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे आप ड्रॉप डाउन करेंगे, जनरल सेटिंग, कंट्रोल्स, होम स्क्रीन, असेसिबिलिटी, वॉलपेपर एंड टच आईडी, इमरजेंसी सॉस। ये आपको ये नंबर जो हमें पता नहीं रहता है, आईफोन यूजर्स को, मैक्सिमम लोगों को पता नहीं रहता है ये किस लिए दिया जाता है, तो मैं इसको बता दूं कि ये इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर, इसमें आप इमरजेंसी सेव कर सकते हैं, आप अपनी इमरजेंसी डिटेल्स सेव कर सकते हैं कि इन केस कभी आप किसी को हेल्प, मतलब कहीं पर भी आप जा रहे हैं और कोई भी ऐसी केसेस सिचुएशन आती है जिससे कि आप खुद नहीं डायल कर सकते हैं, तो एटलीस्ट आपके साथ जो हो वो आपके इमरजेंसी कॉन्टेक्ट को कैसे इसके माध्यम से, आपकी डिटेल्स के माध्यम से आपकी हेल्प कर सकता है। ओके, तो दोस्तों जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो इमरजेंसी सॉस पे आप जब क्लिक करके अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये एक डिटेल आपको शो होके आ रही है। ओके, आप देख सकते हैं कि इसके यूनिक्स फीचर्स के बारे में लिखा, प्रेस साइड बटन 3 टाइम्स या प्रेस साइड बटन 5 टाइम्स। ओके, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, कॉल विथ 3 प्रोसेस, इसको ऑन कर दीजिएगा एंड सेटअप इमरजेंसी कॉन्टेक्ट इन हेल्थ। ओके, तो फ्रेंड्स आप इस पर जब क्लिक करेंगे, सेटअप इन इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स एंड हेल्थ, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी डिटेल्स आ जाएगी जो मैंने सेव कर रखा है। ओके, तो ये आप लोग अपने आईफोन में हमेशा ये डिटेल्स सेव करके रखिए कि आपके एक मेडिकल कंडीशन क्या है, ब्लड टाइप क्या है, वेट क्या है, हाइट क्या है, जिससे कि कोई भी अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो उसके माध्यम से लोग आपकी हेल्प बहुत आसानी से कर ले। ओके, तो आप जब जब ड्रॉप डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। ओके फ्रेंड्स, जब आप इसमें जाएंगे तो आप सबसे ऊपर आप एक आइकॉन देख रहे हैं एडिट का, ये आप इस पर क्लिक करिएगा, देन यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। ओके, आप इसमें एक रेंडम कोई, अभी मैं एक रेंडम नंबर सेव कर रहा हूँ, बट आप कोई अपना इमरजेंसी कॉन्टेक्ट करिए नंबर सेव करिएगा, जो कि इमरजेंसी में अगर इस नंबर पे कॉल किया जाए या कॉल, तो ये आसानी से अवेलेबल हो। ओके, तो जब अब इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप इसमें कोई भी, मैं एक रेंडम नंबर लेके सेव कर रहा हूँ। ओके, इसमें आपकी सारी डिटेल्स पूछी जाएगी। ओके, सपोज मैंने सेव कर दिया, आप देखेंगे कि सारी चीज़ के फायदे क्या है। अब आपके मोबाइल सपोज लॉक है, ओके, और आपको इसी इमरजेंसी नंबर पे कांटेक्ट करना है या किसी, फ्रेंड्स जब हम इमरजेंसी बटन सेव कर देते हैं तो उसके बाद इसका उपयोग कैसे होता है और क्यों होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है प्रेस साइड बटन 3 टाइम्स, मैंने इस पर क्लिक किया है, आप चाहे तो प्रेस साइड बटन 5 टाइम्स पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि जब भी आपकी मोबाइल लॉक हो लाइक दिस, आपकी मोबाइल लॉक हो और आप किसी दोस्त को आपके किसी भी इमरजेंसी कॉन्टेक्ट करना हो, तो अगर आपका मोबाइल
से वो चाहे तो कर सकता है। कैसे कि आप साइड बटन जो है यहाँ पे आप एबब जिससे कि मोबाइल लॉक होती है, आप उस बटन को जिस बटन से मोबाइल लॉक होती है आप उसको 3 टाइम्स क्लिक करेंगे, जो कि आप देखेंगे कि यहाँ पे लगी होती है। आप इस पर जब 3 टाइम्स क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ क्लिक करके, देखिए ये ऐसे करेगी और तुरंत आपके इमरजेंसी नंबर पे कॉल। से मैंने अपने नंबर पे 112 सेव कर रखा है, आप चाहे तो कोई भी नंबर सेव कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसका उपयोग करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।